आज हम बनाएंगे सच्चा साबू फरियाली आटा मोठिया। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबू का फरियाली आटा। एक बड़े कटोरे में आधा कप कद्दूकस की हुई लौकी ले, इसमें आधा कप सच्चा साबू फरियाली आटा डालें, एक एक छोटा चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालें, इसमें एक छोटा चम्मच काली मिर्च और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के एक स्मूथ डो बना लें। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी अपना पानी छोड़ देती है। तैयार किए डो को बराबर के हिस्सों में बांट लें। मैंने यहाँ पे इडली के मोल्ड को ग्रीस करके ले लिया है और इसके अंदर मैं रख के इन्हें स्टीम करूँगी। हमें इसे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। स्टीम की हुई मोठिया को ठंडा होने के लिए अलग रख दें। ठंडा होने के बाद हम इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तड़का लगाने के लिए एक बड़ा चम्मच घी गरम करें, इसमें एक एक छोटा चम्मच जीरा और सफेद तिल डालें। स्टीम की हुई मोठिया डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। अब इसमें एक बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल और 2 बड़ा चम्मच हरी धनिया पत्ती डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। सच्चा साबू फरियाली आटा मोठिया बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसें। क्योंकि हमने ये रेसिपी सच्चा साबू फरियाली आटा से बनाई है, आप इसे व्रत उपवास में भी बनाकर खा सकते हैं।